जी जनाब, आज संडे है और नाश्ता मैं बना रही हूँ और हया ऑमलेट बना ऑमलेट बना रही कॉफी बना रही पहले कॉफी बना रही फिर ऑमलेट बना रही। मेरा जो एक पराठा होता है ना वो तकरीबन दो बंदे खाते हैं नॉर्मल एपेटाइट वाले। नाइस, कौन सी कॉफी? गोल्ड। आज संडे है तो संडे ब्रंच की तैयारी हो रही है। कहा तो मैंने अपने हस्बैंड से भी था लेकिन मैं ज़रा लेट उठी तो उनके नाश्ते का टाइम हो गया था, फिर उन्होंने नाश्ता बनवा के कर लिया। हलवा बनाते हैं मेरे साथ ज़रा, ये इलायची। हम एक कप सूजी से बनाएंगे। जी सूजी डाल दी हमने एक कप सूजी और जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी होगी और हर मीठे में मैं थोड़ा सा नमक का चुटका जरूर डाल। एक कप चीनी लेंगे, ये शीरा बन रहा है और इसी शीरे में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, बस एक चुटकी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे जी तकरीबन दो तीन चुटकी के बराबर, आपको जितना डार्क चाहिए उतना इसको भी डाल के भून लेंगे। और जब हम इसमें डालेंगे पानी और इसका जो कलर निकलेगा, आए हाय हाय, इसमें थोड़ा सा एक कप पानी और मिला के हम और डालेंगे और अब चूल्हा हल्की आंच पे। तकरीबन दो कप पानी मैंने और दिए और ये जैसे ही बॉईल होगा तो ये मैंने आंच हल्की नहीं रखी, जब तक ये बॉईल नहीं होता तो आंच हम अपनी मीडियम हाई पे ही रखेंगे। ठीक है, अब ये बॉईल होना शुरू हो गया। जैसे ही ये बॉईल होगा ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा होगा लेकिन इसमें कच्चा टेस्ट ना रहे इसलिए इसको हिलाते हैं। ये कंसिस्टेंसी अनिया को चाहिए और अगर आपको इससे थिक रखना है तो आप इसे और पका लें। और मैं अनिया को ज़रा चखाऊं, गरम है। हाँ ये देखो, बिल्कुल सही, उतार ना, थिक ना करूँ। और नाउ डू यू वांट कॉफी? नो। आर यू श्योर? Surprise! Yeah. आलू बना रही हूँ। Really? हाँ। इतनी जल्दी बन जाएंगे? हाँ, बस जब तक पराठे बनेंगे आलू रेडी होंगे, अब इसमें और तो कुछ करना नहीं है। कॉफी भी लगी होती है हर वक्त। गुड मॉर्निंग, का है ऑमलेट, का है हलवा? हाँ ये प्याज कटे हुए हैं, हलवा ये रहा। ये 5 मिनट, ये हलवा है? नहीं नहीं ये तो चने हैं। आलू भी डाले इसमें? यस, हम लेंगे आलू। Like this?
Yes, this is no halwa. और डैडी क्यों नहीं आए अभी तक? तो इसी कॉफ़ी पिलाओ। अपने पैसे रहते हैं आप उसको कॉर्नर मिला के बस हल्का से यूँ कर दो प्यार से। मामा ने बोला ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं थर्ड एग्जॉस्ट में भी लगने वाला था फिर इसलिए ऐसा यार कि फूड रिकमेंडेशंस कभी ट्रस्ट नहीं। यू नो व्हाट हैपेंड, हम लोगों का सेमेस्टर था और हम लोग सेमेस्टर सारी रात जाग के हम लोग पेपर देने गए थे। हम लोग पता है कितने 37 आवर्स से जागे हुए थे एंड वी वर लाइक लोडेड विद रेड बुल एंड कॉफी एंड गॉड नोज़ हम एग्जाम दे के आए एंड वी वर सो हंग्री वी नीड टू ईट समथिंग वेरी गुड। अनिया तुनियो तुनियो अनिया कराची फूड की बिरयानी, कराची फूड बेस्ट बिरयानी है, बेस्ट बिरयानी है। ऐसी बिरयानी तो कभी नहीं कराची फूड की बिरयानी कभी नहीं खाई। हम लोग सेमेस्टर से 36 घंटे से सोए हुए नहीं थे और इधर कराची फूड दे रॉन्ग वे लेके लंबा रास्ता लेके इट वाज सो बैड। कराची फूड इतना फेमस है, कैसे फेमस है? बहुत ही बुरा था। बिरयानी के लिए नहीं होगा फेमस और उस वक्त मैं बहुत भूखी थी और जो गरम गरम बिरयानी आई थी, जो बीफ और फिर जो आलू थे, आलू